18,970 किलोमीटर हो चुका है करीब। तो ये इसका दूसरा सर्विस है, ये डीजल है, तो देखते रहिए इसका फुल सर्विस। इसका चेंज होने वाला है इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर एंड केबिन फिल्टर। उसके साथ करेंगे इसका चारों ब्रेक का क्लीनिंग। टोटल क्वार्ट्ज 5W30 ACEA A5B5। इसमें लगता है 3.8 लीटर, ये 3.5 लीटर है और दूसरे डब्बे से 0.3 लीटर डाल लेंगे। यूजर मैनुअल, इंजन ऑयल का जो स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, ऐसे ही 5W30 इंजन ऑयल दैट इज डिफाइंड बाय ACEA A5B5, इस ऑयल में ये है ACEA A5B5। अब पार्ट नंबर देख सकते हैं, ऑयल फिल्टर, डीजल मॉडल में ये लगता है, पार्ट नंबर देख सकते हैं। इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 148 ऐसा कुछ हो। तो पहले कहते हैं कार को जैक, कार जैक हो चुका है। नीचे की तरफ चादर लगा हुआ है, इंजन पार्ट को खोलना है। इस नीचे का जो बोल्ट है वो ये 8 नंबर सॉकेट से खुलता है। नीचे का जो प्लेट है इसको मॉडिफाई किया गया है, आप देख सकते हैं ये स्टील प्लेट लगा हुआ है, जैसे कि ये मिडिल से सैगिंग ना हो, जिसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ दिन के बाद ये नीचे से थोड़ा झूल जाता है। इधर भी एक लगा हुआ है, इसका सपोर्ट बढ़िया मिल गया है। ये इसका ऑयल सम्प है, ये ड्रेन नट है और इसमें लगता है ये 21 नंबर सॉकेट। ऊपर का कैप को भी ढीला कर देते हैं, उसके बाद खोलना है इसे, ये बोल्ट को खोलना है, ये बोल्ट को खोलना है। ढीला करने से ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाने के बाद इसके नीचे ही है इसका ऑयल फिल्टर, खोल देते हैं इसे। ये पाइप खुल गया, नीचे देख सकते हैं ये जो है इस पाइप के नीचे ही है वो ऑयल फिल्टर, ये दिख रहा है इसका सॉकेट, उसे खोलना है। और ये है एयर फिल्टर का पोजीशन, ये दोनों क्लिप खोलने से ये बाहर निकल जाता है। ये है इसका एयर फिल्टर, ये जो पार्ट है यहाँ से जॉइंट रहता है और इसको थोड़ा सा खींचने से ये बाहर निकल जाता है। अगर ये निकल दे तो काम आसानी होगा, इसको निकाल दिया। ये जो ऑयल फिल्टर है ये 28 नंबर सॉकेट से खुलता है, लगा कर इसे खोल देंगे। तो ये है ऑयल फिल्टर का आउटर शेल, खुल गया। इसके साथ फिल्टर भी है, सिर्फ फिल्टर भी चेंज होता है, ये आउटर सेल चेंज नहीं होता है, ये ध्यान पे रखिएगा, ये आउटर सेल पे ऐसे ही लग जाएगा। और ये है इसका सील, रबर सील, इसको ध्यान पे रखिएगा, इसको जरूर बदलना है। यह ऑयल फिल्टर, इसको बिठा दिया, किसी भी तरफ लगा सकते, इधर भी उधर भी कोई बात नहीं है, दोनों तरफ एक ही है।
कंप्लीट, इसको लगा देता है। इंजन ऑयल से भिगो दिया, इंजन ऑयल लगा दिया नया, ये भीग गया, अब इसे लगाना है। इसे ज़्यादा टाइट नहीं करना है, यार फिल्टर का हाउसिंग को भी फिट कर देते हैं, ये यहाँ पुश करने से लग जाएगा, ये लग गया, ये यहाँ बैठेगा। ये पूरा बैठ गया, अब एयर फिल्टर को लगा देते हैं। फिल्टर को लगा देते हैं, एयर फिल्टर को बिठा दिया, इसका कवर लगा देते हैं। लग गया इसका कवर, उसके बाद इसे लगा देंगे और दो बोल्ट को टाइट कर देंगे। टाइट हो चुका है, ये टोटल क्वाच फुल्ली सिंथेटिक है। यार डाल चुका है इसके गेज, गेज जो है इसके और इसके अंदर रहना चाहिए, ये यहाँ तक है तो ठीक ही है। तो ये है फोर्ड इकोस्पोर्ट का केबिन फिल्टर, यानी एसी का फिल्टर, और ये है उसका पोजीशन, ये एक दो और ये तीन, एक एक दो तीन, ये खोलने से ये बाहर आ जाएगा, तो इसे खोल के दिखाते हैं। तो निकल लिया इसको, ये है पुराना वाला और ये है नया वाला, कलर तो आप देख ही सकते हैं गंदा हो चुका है। यह है पावर फ्लो डिरेक्शन, आप देख सकते हैं ये एरो दिया हुआ है, तो वहाँ भी एयर का जो फ्लो है वो इधर से इधर आता है, तो इसको ऐसे रखना है, ये एरो इस तरफ होगा, इस हिसाब से लगाना है। ये अंदर चला गया, ये है ठीक है, ये अंदर बिठा दिया, ये चला गया, और उसके बाद इस कवर को लगाना है ऐसे, ये ऊपर की तरफ रहेगा, ये नीचे की तरफ, इसको लगे तीन स्क्रू से लगा रहता है। का फ्रंट व्हील ये कैप खुलना है, और यहाँ से ये कैप खुलना है, तो ये सॉकेट से ये खुलता है, ये
ऊपर नीचे दोनों खोलने से कैलिपर बाहर आ जाएगा और डिस्क पैड को क्लीन कर पाएंगे। कैलिपर को खोल दिया है, ये पार्ट अलग हो चुका है। डिस्क का जो पैड है तो यहाँ लगा रहता है, इसे भी खोलना पड़ेगा। मैक्सवेल ब्रेक क्लीनर से बिठा देता है इसको। उसके बाद ये दो जो कैलिपर पिन है इसको ग्रीस करना है और अंदर गुजरना है। ये ग्रीस सिर्फ कैलिपर के लिए यूज़ होता है, ये यहाँ पर सिर्फ हाई टेम्परेचर ग्रीस ही लगाना है, कोई दूसरा ग्रीस नहीं। एक ऊपर और एक नीचे। ये चक्का कंप्लीट हो चुका है, लेफ्ट साइड को भी सेम उसी तरीके से करेंगे। अब इस चक्का को खोलेंगे और करेंगे उसका क्लीनिंग। ड्रम को खोलने के लिए ये 12 नंबर नट को और बोल्ट को यूज़ कीजिए। ये यहाँ घुसाने से, टाइट देने से वो ड्रम धीरे 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 बाहर आ जाएगा। देखते रहिए ये बाहर आ रहा है, ये देखिए बाहर आ रहा है। ये खोलने का आसान तरीका, कोई हैमर नहीं लगेगा, कोई हथौड़ा किसी का कुछ का जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही ये खुल जाएगा। देखिए ये पूरा बाहर आ रहा है, धीरे 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 ये खुल जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। करते हैं इसको क्लीन। बहुत धूल जम चुका है, 19,000 किलोमीटर में शायद ये पहली बार खुल रहा है। इसको क्लीन करने के बाद सेम उस तरफ का हुल को भी ऐसे ही क्लीन कर देंगे, फिट कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर। थोड़ा ग्रीसिंग करना है क्योंकि यहाँ घिसता है और एक साउंड भी होता है, तो इस पॉइंट पे भी ग्रीस लगाना है। इस पॉइंट पे भी थोड़ा सा ग्रीस लगा देना है बस। ये ड्रम फिट हो चुका है, दूसरी तरफ भी कर देंगे। ये वाइपर का वॉशर पानी है, इसको यहाँ डाल देंगे। बेसिकली ये शैम्पू ही है, इसके साथ पानी डाल देंगे। अब सर्विस कंप्लीट हो चुका है,
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और उसके साथ सब्सक्राइब भी कर। थैंक यू।